चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। सोमवार को आप और कांग्रेस के नेता और उम्मीदवार नामांकन वापस लेने के लिए नगर निगम पहुंचे। मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। अब आपके उम्मीदवार कुलदीप टीटा मेयर बन सकते हैं। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आप और कांग्रेस में गठबंधन से मेयर चुनाव के सारे समीकरण बदल गए। बता दें, इस वक्त बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर है। मेयर चुनाव के लिए सांसद किरण खेर को मिलाकर उनके पास 15 वोट है। आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 वोट है। दोनों में गठबंधन होने पर आप और कांग्रेस के 20 वोट हो जाते हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 19 है। ऐसे में पिछले कई सालों से मेयर की कुर्सी पर बैठी बीजेपी की बादशाहत खतरे में है। गठबंधन के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आपकी तरफ से मैदान में उतारे गए नेहा और पूनम को भी नामांकन वापस लेना पड़ा। अब कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी सीनियर डिप्टी मेयर और निर्मला देवी डिप्टी मेयर के पद पर दावेदार हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार मेयर चुनाव के दिन सदन की कार्यवाही के शुरू होने से पहले नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी मेयर के अलावा डिप्टी मेयर का पद भी चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर के साथ डिप्टी मेयर का पद चाहती थी। इसी वजह से मामला लटक गया था, लेकिन अब सहमति बन गई है कि मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के पास रहेगा। मामले को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा, जहां जरूरत पड़ेगी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होते रहेंगे। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का जो विचार था वो इसी बात को लेकर था कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिल करके बीजेपी को वाइप आउट किया जा सकता है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का मेयर जैसे ही बनेंगे तो जैसे दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है नगर निगम के अंदर, वैसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी वो सारे प्लान्स, वो सारी चीजें लागू की जाएंगी और चंडीगढ़ में राजनीति का एक नया दौर शुरू होगा। आम आदमी पार्टी को बहुत समय से चंडीगढ़ के लोग चाह रहे थे कि यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की साजिशें करके उससे दूर रख रही थी। अब अच्छा समय आ रहा है, आम आदमी पार्टी का मेयर होगा और चंडीगढ़ के अंदर भी वही दौर देखने को मिलेगा जैसा पंजाब और दिल्ली में चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत से सब कुछ संभव है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ही ये है। आम आदमी पार्टी लीडरशिप जो आपस में चर्चा कर रही है वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है और अगर भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करना है, लोगों के सामने उनको एक्सपोज करना है, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पे मिलके ये काम किया जा सकता है, वहां पे मिलके ये काम करेंगे।